अपने आप को हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त रहने वाला इंसान कभी भी किसी भी समय में दुखी नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। सुप्त बद्धकोण आसन, इसका करने का तरीका और इसके फायदे इस वीडियो में दोनों बताऊंगा, तो मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, बताना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सुप्त बद्धकोण आसन। तो सुप्त बद्धकोण आसन करने के लिए आपको अपने पैरों को अपने दोनों जंघों के बीच में लाना है इस तरह से। अगर आप इतना नहीं ला सकते तो आप यहाँ से यहाँ तक किसी बेल्ट वगैरह से हल्का सा टाइट कर सकते हैं ताकि ये छूटे ना, या आपसे जितना हो रहा है उतना ही करें। तो इसके करने के लिए ये ऐसे रहेगा और आप धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं। ये यहीं पे रहेगा और दोनों हाथ अपने जंघाओं के साइड में रहेंगे इस तरह से, और ये जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहेंगे, फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर देंगे। फिर वापस से करेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे। तो ये था सुप्त बद्धकोण आसन। बस इसकी पोजीशन ये है कि ये पैर यहां तक रहेगा, रिलैक्स की मुद्रा में नीचे लेटे रहेंगे। इसको जरूर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अगर फायदों की बात करूं तो पूरे जंघाओं में खिंचाव आएगा, आपकी कमर के पास यहाँ पे हिप के पास वो लचीला हो जाएगा, हिप्स आपका बवासीर की दर्द वो भी नहीं होगी, इसमें हर्निया जिसे होता है वो हर्निया भी नहीं होगा, हर्निया होने से रोकता है। तो इस आसन को करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो सुनो आपने इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इस आसन को अपने जरूर करने की कोशिश करें। मेरे वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।